आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे के बारे में। इस एक्सप्रेसवे के अलग अलग सेक्शन में अलग अलग काम हो रहा है, मतलब कुछ सेक्शन में अभी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया ही चल रही है, तो कुछ सेक्शन में टेंडरिंग की, कुछ सेक्शन में कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टिंग स्टेज में है, तो कुछ सेक्शन में इस एक्सप्रेसवे का काम फाइनल स्टेज में है। तो चलिए देखते हैं पूरे एक्सप्रेसवे का अपडेट और जानते हैं कब तक ये एक्सप्रेसवे फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। तो रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे या रायपुर विजाग इकोनॉमिक कॉरिडोर सेंट्रल इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो कि छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास अभनपुर से स्टार्ट होकर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास सब्बावरम तक बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का 125 किलोमीटर का सेक्शन होगा, जबकि उड़ीसा में इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ होगी 262 किलोमीटर, जबकि आंध्र प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ लगभग 100 किलोमीटर होने वाली है। इन तीनों स्टेट में ये एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा, ट्रेवल टाइम को रिड्यूस करेगा और सबसे इम्पोर्टेंट कि सभी इंडस्ट्री को विजाग पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। HAL और NALCO को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जबकि जगदलपुर, उमेरकोट, नवरंगपुर, बोरीगुम्मा, जयपुर, कोरापुट, सेमलीगुड़ा और विजयाना ग्राम जैसे एरिया की कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी इस एक्सप्रेसवे के बनने से। जयपुर विजाग एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ है 465 किलोमीटर और इसका एस्टिमेटेड बजट है 20,000 करोड़ रुपए। ये 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और पूरे एक्सप्रेसवे को टोटल 19 पैकेज में डिवाइड करके इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसमें से 3 पैकेज हैं छत्तीसगढ़ में, 11 पैकेज हैं उड़ीसा में और 4 पैकेज हैं आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का लगभग 125 किलोमीटर का सेक्शन है, जो कि रायपुर, धमतरी, कांकेर और कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करेगी। छत्तीसगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन 3 पैकेज में डिवाइड करके किया जा रहा है। पैकेज 1 है अभनपुर से सारगी तक, इसकी टोटल लेंथ है लगभग 43 किलोमीटर। शालीमार कॉर्प इस पैकेज के कॉन्ट्रैक्टर है। पिछले साल सितंबर में ही इस पैकेज में कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ था। छत्तीसगढ़ के सेक्शन में पैकेज 2 के कॉन्ट्रैक्टर हैं दिलीप बिल्डकॉन, जबकि पैकेज 3 के कॉन्ट्रैक्टर हैं MKB प्रोजेक्ट्स। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे का आधा से ज़्यादा पार्ट यानी कि लगभग 262 किलोमीटर का सेक्शन उड़ीसा स्टेट में है, जो कि नवरंगपुर और कोरपुर डिस्ट्रिक्ट से पास करेगी। उड़ीसा स्टेट में इस एक्सप्रेसवे को टोटल 11 पैकेज में डिवाइड किया गया है। ज़्यादातर सेक्शन में कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोग्रेस में है, कुछ सेक्शन में काफ़ी काम हो गया है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रोड का टॉप लेयर बिछाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में अलूरू से सब्बावरम तक इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ है लगभग 100 किलोमीटर। 12 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस एक्सप्रेसवे के आंध्र प्रदेश के सेक्शन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। आंध्र प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे को 4 पैकेज में डिवाइड करके इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दोनों सिटीज के बीच लगभग 80 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जाएगा, जबकि ट्रैवल टाइम लगभग आधी हो जाएगी। यानी कि अभी रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच ट्रैवल करने में लगभग 13 से 14 घंटे का समय लगता है, जबकि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद इन दोनों शहरों के बीच मात्र 6 से 7 घंटे में ही ट्रैवल किया जा सकेगा। मार्च 2025 तक इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करने का टारगेट है। वैसे इस एक्सप्रेसवे के ज़्यादातर सेक्शन में कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोग्रेस में है, तो उम्मीद है कि डेफिनेटली अगले 2 साल में ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से इन तीनों स्टेट यानी कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कनेक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म और रियल एस्टेट सहित अलग अलग सेक्टर बूस्ट होगा, लेकिन इससे हमारे एनवायरनमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे का काफ़ी बड़ा सेक्शन फॉरेस्ट से होकर क्रॉस कर रही है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए यहाँ पर कितने सारे पेड़ को काटे गए होंगे। हालांकि इसे कंपनसेट करने के लिए लगभग 31,000 नए पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन शायद इसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने देश में बन रहे और एक्सप्रेसवे के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए।